गेट नोटिफिकेशन होता है और रेगुलर अपडेशन क्लिक हियर। हेलो गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग ब्लॉगर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। ये देख लेते हैं कि जब भी हम अपना ब्लॉगर का डैशबोर्ड में जाते हैं तो हमको कुछ इस तरफ से ऑप्शन मिलता है कि बार बार पेज को रीलोड करना पड़ता है। मान लिया हम पोस्ट में जाते हैं तो देखिए ये एक ऑप्शन आ जाता है, ऊप्स व्हाट एन एरर, इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाता है। अगर हम इसको रीलोड करते हैं तो ये फिर से पेज खुलता है, ठीक है। अगर हम कमेंट में जाते हैं तो फिर ये ऑप्शन जो है ये आते ही रहता है किसी ना किसी वजह से, रीलोड करने के बाद फिर से होता है। देखिए सेटिंग्स में जाते हैं फिर से ये होता है। तो हम लोग आज इसको किस तरह से दूर करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम लोग इसे देखते हैं। देखिए ये हमारा ब्लॉग का साइट है, साइट का यहाँ पे एड्रेस है, ब्लॉग का साइट है। इसको हम जब भी कोई चेंज करते हैं तो हमको डैशबोर्ड में जाना पड़ता है ब्लॉगर का। अब यहाँ पर ही बार बार इस तरह का ऑप्शन आता है कि किस तरह से अगर रीलोड करते हैं तो फिर से हमारा हो जाता है। अब यहीं पे देखिए एक सोल्यूशन है, फाइंड सोल्यूशन, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको बहुत सारा चीज़ बताएगा कि आपका जो जंग फाइल है इसको क्लियर किए, कुकीज़ को क्लियर किए, ये सब करने के बावजूद भी नहीं हो पाता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहीं पे देखिए आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ मेंशन कर देना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट मेंशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें कुछ लिख दिया है, यहाँ पैराग्राफ कुछ लिख दिया है, मैं फेस कर रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम जब भी मैं डैशबोर्ड का, ब्लॉग का डैशबोर्ड का जब भी हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमको फेस करने को हो रहा है। एक तो छोटा सा आप भी पैराग्राफ वगैरह लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद इस पोर्शन को जो भी पॉपअप आ रहा है इसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद ये वाला पॉपअप आपके सामने आ जाता है और यहाँ नीचे में जाके आपको सेंड कर देना है। तो आपसे पूछेगा कि सेंड करना है तो यस कर दीजिए। देखिए आपको यहाँ पर बता दे रहा है थैंक यू फॉर द फीडबैक, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट दीजिए। अब तो कुछ देर के बाद या एक दो दिन के बाद जब ये टीम रिव्यू करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम को देख लेंगे और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो दूसरा मेथड ये है, एक्चुअली मैं एक दिन इंतज़ार किया था, एक दिन इंतज़ार करने के बाद वो अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है, किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुआ है। तो ये नॉर्मली जब हम सर्च किए बहुत सारा साइट्स तो इसमें पता चला ज़्यादातर ये ब्राउज़र के चलते होता है, ब्राउज़र का कुकीज़ हिस्ट्रीज वगैरह सब चीज़ को क्लियर कर देना पड़ता है। लेकिन हम क्लियर किए थे, देखिए हमारा नीचे में आपको तीन ठो मिलता होगा, तीन ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, ओपेरा और फायरफॉक्स मोज़िला। तो देखिए गूगल क्रोम को सबसे पहले हम खोलते हैं, गूगल क्रोम को खोलते हैं तो ये गूगल क्रोम आपके सामने खुल गया। यहाँ पर ही अब हम लोग उस ऑप्शन को देखते हैं, जैसे देखिए ये प्रॉब्लम अभी तक ज्यों का त्यों है, गूगल क्रोम में थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। इसका हालांकि मैंने कुकीज़ कैसेस सब हम क्लियर कर दिए। अच्छा, इसको चलिए हम लोग बंद करते हैं। देखिए यही वाला ब्लॉक था, यही ब्लॉक थे जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी भी इसी तरह से ये प्रॉब्लम बना हुआ है, गूगल क्रोम का कुकीज़ वगैरह सब चीज़ साफ करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम है। उसी तरह फिर हम चलते हैं इसमें, तो इसका जो किए क्या है, इसका हम पूरा माने कुकीज़ वगैरह हम इसको साफ़ नहीं किए हैं, क्लीन नहीं किए हैं, इसको हम पूरा अनइंस्टॉल कर दिए हैं प्रोग्राम फाइल से भी, इसका फोल्डर वगैरह जो भी था फायरफॉक्स मोज़िला का उसको हम हटा दिए हैं, उसका बाद फिर से इंस्टॉल किए हैं, अपडेट किए हैं नया वर्सन के साथ। तो देखिए यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, देखिए सेम ब्लॉग है, वही ब्लॉग है जो ब्लॉग में हम लोग क्रोम में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें ये हो गया और हम ओपेरा भी हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए थे तो बाद में समझ में आया कि ये वाला जो प्रॉब्लम, देखिए वही ब्लॉग है, तो इससे बाद में समझ में यही आया कि
कि जो जितना भी ये सब प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम था। जब हम नेट सर्च किए तो हमको पता चला ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर ब्राउज़र के चलते ही होता है। तो यहाँ पर ही आप कोई एक नया लेटेस्ट ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें आप ब्लॉगर का काम कीजिए इस तरह का जो। लेकिन क्रोम में ये ज्यों का त्यों ये प्रॉब्लम अभी तक बना हुआ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ इसको नया तरीके से यूज़ करने के बावजूद भी। तो ये खुद एक दिन वेट करने के बाद हमको पता चला है, तो मैं खुद से ही ट्राई किया तो हो गया। आप भी ऐसे ट्रबल शूटिंग करिए, आपको ज़्यादा जानकारी होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर से मिलते हैं। और भी बहुत सारा सीरीज़ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको पारी पारी से एक एक करके देख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीन में दिए गए वीडियो को आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।